राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली, और साथ में यह भी जानेंगे कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन या निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोटेम स्पीकर को कोई भत्ता या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आसान शब्दों में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 2024 लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। विद्यार्थियों, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का भी चुनाव होता है। विद्यार्थियों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए एवं नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर, जिसे कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है, का चुनाव किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रोटेम शब्द की अगर हम बात करें तो प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक कि लोकसभा या विधानसभा में अध्यक्ष जो है स्थायी रूप से न चुन लिया जाए। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनता है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है तो उस वक्त संसद चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता, इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर या एक अस्थायी ओहदा बनाया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि संविधान में प्रोटेम शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियली हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया है। विद्यार्थियों, आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस वाले नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले ही वो विपक्ष का ही सांसद क्यों ना हो। हालांकि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ही शपथ भी दिलाते हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नई सरकार के चुने जाने के बाद लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर्स के नामों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। वरिष्ठता का जो आधार होता है वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के रूप में कुल कार्यकाल के आधार पर किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री लिस्ट में से एक मेंबर की पहचान करते हैं, उसे ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है और साथ में तीन अन्य मेंबरों की भी पहचान की जाती है। इनके नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं और फिर कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों को नियुक्त करता है। विद्यार्थियों, प्रोटेम स्पीकर का सबसे प्रमुख कार्य नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना होता है। साथ ही विद्यार्थियों, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और नए अध्यक्ष के चुनाव की तक सारी जिम्मेदारी निभाता है। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है। सदन में जब तक सांसद शपथ नहीं ले लेते तब तक उनको सदन का हिस्सा नहीं माना जाता है। सबसे पहले सांसद को शपथ दिलाई जाती है, जब सांसदों की शपथ हो जाती है तो उसके बाद ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। विद्यार्थियों, 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भाजपा के कटक के सांसद भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई। बी महताब लोकसभा के लिए लगातार 7 बार निर्वाचित हुए हैं। 2024 तक वह बीजेडी बीजू जनता दल से जुड़े हुए थे। विद्यार्थियों, बी महताब के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने जाने के बाद यह सिद्ध होता है कि ओडिशा के कटक संसदीय क्षेत्र की नियमित प्रतिनिधित्व उनकी जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता। विद्यार्थियों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जान ही गए, लेकिन इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या प्रोटेम स्पीकर को अलग से कोई सैलरी भत्ता या पेंशन मिलती है? तो विद्यार्थियों, इसका जवाब है कि नहीं, उन्हें कोई वेतन और भत्ते नहीं मिलते। जो एक सामान्य सांसद या विधायक को मिलता है बस उन्हें वही दिया जाता है। अगर उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में अलग से कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस समय के लिए विशेष भत्ते या अन्य सुविधाएँ मिल जाती हैं, लेकिन ये अस्थायी और सीमित अवधि के लिए होती हैं।
विद्यार्थियों अक्सर ये भी विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं कि क्या वर्तमान का जो स्पीकर होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। नियम और परंपराओं के अनुसार वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।